तक नाम बताओ क्या है। अरे अरे मेरा तो खत्म ही हो गया स्टार्ट होते ही। चलो नहीं नहीं छूटिए। तो चलिए चैप्टर का नाम सबसे पहले मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। चैप्टर आपको बताएगा स्टार्टअप के बारे में और उसका कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ये चैप्टर आपको एक्चुअली में जो स्टार्टअप्स देखे सुने होंगे ना उसका अच्छा खासा ओवरव्यू देगा। सबसे पहले सीधा डेफिनेशन में आएंगे कि स्टार्टअप का मतलब क्या है, स्टार्टअप का मतलब क्या है। ठीक है, तो स्टार्टअप की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल वर्जन में स्टार्टअप एक एंटिटी है, स्टार्टअप एक एंटिटी है, क्या लिखा है, विच इज अप टू 10 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। हम यहाँ पे स्टार्टअप वर्ड का मीनिंग पढ़ने वाले हैं। डी क्या लिखा है, PIIT, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो डिपार्टमेंट है किसका डिपार्टमेंट है, प्रमोट कर रहे हैं, किसे प्रमोट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को, या फिर किसको कर रहे हैं, इंटरनल ट्रेड। तो एक डिपार्टमेंट है, नाम याद करा रही, DPIIT, वापस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट किसका, फॉर प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। हम इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल ट्रेड को, तो इसका एक डिपार्टमेंट है। उसने स्टार्टअप की अपनी डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन इन्होंने 2019 में दी कि भैया हमारे हिसाब से स्टार्टअप वो है जिस कंपनी को अभी स्टार्ट हुए कितना टाइम हुआ, बस 10 साल ही हुआ है, मतलब ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, एकदम फ्रेश कंपनी है, फ्रेश कंपनी है। ये कंपनी कितने टाइम पहले इनकॉर्पोरेट हुई, अभी 10 साल। अगर मेरी कंपनी को 20 साल हो गए तो मैं स्टार्टअप के सेगमेंट में नहीं आ सकती। हमने बहुत सारे लॉस पढ़े, स्पेशली कंपनी लॉ। उस कंपनी लॉ में जब हमने लॉस पढ़ा तो जगह जगह बहुत ज्यादा छूट थी कि भैया स्टार्टअप कंपनी को छोड़ दिया, स्टार्टअप कंपनी को। तो वो स्टार्टअप कंपनी जिनको अभी कितने टाइम हुआ है, 10 साल ही हुए, मतलब अगर आप 20 साल पुरानी हो तो आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में कवर नहीं होते और आपको कोई बेनिफिट भी मिलने वाले नहीं है। तो स्टार्टअप मतलब वो इनकॉर्पोरेशन जिसको अभी 10 ईयर्स नहीं हुए और उनका टर्नओवर क्या है, कम है ना थोड़ा, हम छोटी कंपनी को आगे बढ़ाने का सोच रहे, तो जिनका अभी टर्नओवर कितना है, लेस देन 100 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर, और वो एक नए आइडियाज के साथ आई है, वो जो कंपनी है वो कुछ इनोवेशन, प्रोडक्ट सर्विस में कुछ इम्प्रूवमेंट या स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद द पोटेंशियल ऑफ द जॉब क्रिएशन एंड द वेल्थ जनरेशन। सरकार को लग रहा है कि भाई ये आइडिया कुछ इनोवेटिव है, कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, अप टू 10 ईयर्स तक की है, कंपनी का जो टर्नओवर है कितना है, 100 करोड़ से कम है, और ये जो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रही है वो कुछ इनोवेशन के साथ है या कुछ प्रोडक्ट सर्विस ऑलरेडी मार्केट में, उसमें वो कुछ नया इंप्रूवमेंट लेके आ रही है, कुछ बिजनेस है जिसको वो स्केलेबल बना रही है, बढ़ने के इसके पूरे चांसेस हैं, जिससे हमारे देश में क्या होगा, जॉब भी क्रिएट हो जाएगी और पैरेलली क्या हो जाएगा, वेल्थ जनरेट भी हो जाएगी। बता चलो वापस स्टार्टअप की डेफिनेशन समझ में आई, डेफिनेशन फटाफट, 10 साल से कम, 100 करोड़ से कम और इनोवेशन, स्केलेबल बिजनेस है जिससे जॉब वेल्थ जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन साफ इन्होंने बोला भैया स्प्लिटिंग नहीं होनी चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब दो बिजनेस आपस में मिलकर बोल रहे हम नया बिजनेस बन रहे, मर्जर अमलगमेशन की बात हो रही, वोडाफोन कंपनी आइडिया कंपनी, वोडाफोन पूरे से उठ के आइडिया के साथ मिल जाती है और वो बोलते देखो अभी हम नए बन गए। इन्होंने कहा भैया ये रिकंस्ट्रक्शन वाली कंपनी को कुछ हम इनोवेशन नहीं बोलते, कुछ भी हम इसको नहीं बोलेंगे कि भैया तुम्हें अभी 10 साल नहीं हुए, अभी तो भैया मर्जर हुए तुम्हें 1 ही साल हुआ, ये सारी बातें वेस्ट है, आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में आ ही नहीं सकते। क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का? ये डेफिनेशन देने वाला कौन था, DPIIT। इसका नाम इसलिए याद करा रही हूँ, आगे चल के जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो इसका नाम बार बार आता जाएगा। तो DPIIT का फुल फॉर्म, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। चलो आ जाओ, तो ये डेफिनेशन बता दी। अब यहाँ पे आपको ना कोई कोई ना स्कीम देते रहेंगे। स्कीम नंबर 1 क्या लिखा है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। दूसरी स्कीम देखो क्या लिखा है, फंड ऑफ द फंड फॉर स्टार्टअप स्कीम। फिर क्या बोला, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप। क्या बात समझ में आ रही है, 3 स्कीम है, इन तीनों स्कीम का नाम से काम समझेंगे पहले। ठीक है बच्चों, ये पूरे के पूरे जो नोट्स है ना ये मैं तुम्हें PDF फॉर्म में दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बेसिकली इससे ज्यादा रिलेटेड होगा। ठीक है आ जाओ, तो कुछ स्टार्टअप इनिशिएटिव्स लिए गए, कुछ स्टार्टअप इनिशिएटिव लिए गए 2016 में, स्टार्टअप इनिशिएटिव लिया गया और कुछ 3 स्कीम्स है। क्या ये 3 स्कीम वही है, स्टार्टअप क्या लिखा है, सीड फंड स्कीम, देन क्या लिखा है, फंड ऑफ फंड, देन क्या लिखा है, क्रेडिट गारंटी स्कीम।
फोकस इनके नाम पर ही करना। इन्होंने कहा भैया सीट फंड की बात हो रही है, अप्रूव फॉर द फोर ईयर्स ऑफ स्टार्टिंग 2021 में इन्होंने क्या बोला कि भैया हम सीट फंडिंग देंगे। सीट फंडिंग मतलब जो बिजनेस एकदम स्टार्ट हो रहा है ना उनको इनिशियल लेवल में हम पैसा दे देंगे। कितने करोड़ दिए गए भाई, 945 करोड़। सपोर्ट स्टार्टअप विद द प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री, कमर्शियलाइजेशन, इतना फंड सरकार ने दिया ताकि ये स्टार्टअप की सीड फंडिंग हो सके। दूसरा क्या बोला, फंड ऑफ द फंड स्टैब्लिश किया 2016 में, कितना 10,000 करोड़ टू प्रोवाइड द कैपिटल एंड बूस्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। हम चाहते भैया स्टार्टअप्स आए। देन क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट गारंटी फॉर द लोन टू स्टार्टअप। बैंक्स को बोला, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोला भैया तुम दो इनको लोन, दो गारंटी दे रहे हम। तो ये कुछ स्कीम्स हैं। पहले क्या बोला, इनिशियल लेवल में पैसा मिल जाए। दूसरा क्या बोल रहा है कि भैया हम तुम्हें फंडिंग कह रहे हैं दे। तीसरा क्या बोल रहा है कि सरकार कह रही है भैया हम तुम्हें गारंटी दे रहे हैं, बैंक तुम्हें स्टार्टअप को लोन दो, नहीं दे पाएंगे तो हम खड़े हैं, बैंक सॉरी सरकार खड़ी है। तो ये कुछ स्कीम्स लेकर आए। क्या ये स्कीम समझ में आ रही है? ये पूरा चैप्टर स्टार्टअप को प्रमोट ही करता रहेगा, ठीक है। चलिए अब स्कीम के बाद इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है, डिटेल्स ऑफ द वेरियस प्रोग्राम। यहाँ पूरे प्रोग्राम्स है, पूरे प्रोग्राम से गवर्नमेंट ने समय समय पर स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए कुछ कुछ अपने प्लान्स, कुछ प्रोग्राम्स चलाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरे नाम दिख रहे हैं, जरा बताओ कितने प्रोग्राम्स है, कितने सारी लिस्ट दे रखी उन्होंने, पूरे 21 पॉइंट्स दे रखे। लेकिन प्लीज इन्हें इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में समझेंगे। पहला, पूरे 21 प्लान्स दे रखे, बहुत सारे उन्होंने अपने लेवल में स्टार्टअप को प्रमोट किया। तुम्हें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि दीदी एग्जाम में आएगा तो हम कैसे इसे याद करेंगे। तुम अभी ये सोचो, तुम हो सीएस, तुम कर रहे हो काम। अब सरकार ने क्या क्या दिया, तुम्हें इसे समझना है, याद नहीं करना है। तुम्हें इसे क्या करना है, समझना है कि भैया ये प्रोजेक्ट आ गया, तुम ये काम कर रहे हो, ठीक है। चलो अब फील करो कि भैया सरकार ने क्या किया, स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान लॉन्च किया 2016 में। उन्होंने क्या बोला, 19 एक्शन पॉइंट्स है, लाइक एग्जाम्पल देके बता रहे। एक एक्शन हमारी सरकार ने लिया, क्या किया, प्रोसेस को, स्टार्टअप बिजनेस का जो इनकॉर्पोरेशन है उसको सिंपल कर दिया। क्या कर दिया, फंड सपोर्ट दिया, इंडस्ट्री को पार्टनरशिप दी सरकार के साथ। कई बात समझ में आ रही है। इन्होंने कहा सरकार ने समय समय पे अपने तरफ से बहुत हाथ पैर मारे। पहला हाथ पैर क्या मारा उन्होंने, कुछ 19 एक्शंस लिए गए जिसमें से 3 एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया। पहला एग्जाम्पल क्या दिया, चीजों हमने सिंपल कर दी प्रोसेस। सेकंड क्या बोला, फंडिंग सपोर्ट दिया, पैसे दिए। तीसरा, सरकार बोली भैया तुम करो प्राइवेट काम, हम पब्लिक, पब्लिक प्राइवेट का पार्टनरशिप करवा देते। पीपीसी ना होगा तुमने, ठीक है, ट्रिपल पी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इन्होंने क्या बोला, 50 रिफॉर्म्स बनाए गए ताकि क्या हो सके, स्टार्टअप का बिजनेस इजी हो सके। इजी ऑफ द प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट रिलैक्स करता है प्रोक्योरमेंट ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द स्टार्टअप। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है, ऑप्टेन करना, लेना, खरीदना, कुछ भी लेने के लिए चीजें आसान कर दी गई। सपोर्ट फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, जरा मुझे बताओ ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन क्या होता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब ना। साफ बोला फास्ट ट्रैक आ गया है, तुम्हें आज एप्लीकेशन दोगे तुरंत तुरंत के तुरंत आपको पेटेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। जिसके कारण क्या हो गया, 80% फीस क्या होगी, रिबेट होगी फॉर द स्टार्टअप। मतलब 80% फीस बच जा रही है, इतना खर्चा नहीं, काम जल्दी हो रहा है, खर्चा भी ज्यादा नहीं हो रहा है। सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ द लेबर एंड द एनवायरमेंट लॉ, कुछ लॉज है, लेबर लॉस और एनवायरमेंटल लॉ। क्या मुझे ये लॉ समझाने की जरूरत है, लेबर लॉस क्या होगा जो लेबर को प्रोटेक्शन दे रहे, एनवायरमेंट लॉस क्या होंगे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन्होंने कहा स्टार्टअप कैन सेल्फ सर्टिफाइड। अगर आईटेक्स एक स्टार्टअप है तो लेबर लॉस हम फॉलो कर रहे हो, हम अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई करें, हम खुद से डिक्लेरेशन दे रहे कि हमने सारे लॉस फॉलो किए, किसी और को आके हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कंप्लाइंसेस कम है। अगर कोई स्टार्टअप है तो उसके कंप्लाइंसेस कम करें, तो कैसे कंप्लाइंसेस कम किया, कि तुम सेल्फ सर्टिफाइड कर दो। ये फैसिलिटी आपको कितने साल तक के लिए दी जा रही है, 5 साल। 5 साल के बाद कोई और आकर ही सर्टिफाई करेगा क्या सच में लेबर लॉ फॉलो किया, क्या सच में एनवायरमेंट का ख्याल रखा, क्या हमारी एक ऐसी फैक्ट्री है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ गड़बड़ काम कर रही है। तो सेल्फ सर्टिफाइड करो, मतलब खुद से डिक्लेरेशन दो आपने सारे लॉस फॉलो किए। किसी और को बुलाओगे तो फीस अलग लगेगी, टाइम अलग लगेगा, गलतियां अलग निकालेगा। तो हमने आपको छूट दी, कैसी छूट मिली आपको, कि खुद से सेल्फ सर्टिफाइड कर दो कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, भैया 2016 में आए और साफ इन्होंने क्या बोल दिया, 3 साल तक तुम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है स्टार्टअप को किस लेवल में प्रमोट किया जा रहा है। फिर क्या बोला, इंटरनेशनल मार्केट एसेस, हेल्प इंडिया स्टार्टअप कनेक्टेड टू द ग्लोबल मार्केट, इंटरनेशनल पार्टनरशिप तक में आप जा सकते हो बिना कोई खतरनाक फॉर्मेलिटी के। नेक्स्ट क्या बोला, फास्टर क्या लिखा है, एग्जिट फॉर द स्टार्टअप्स, स्टार्टअप कैन बी वाइंड अप ऑपरेशन, ये क्या बोल दिया, विद इन 90 डेज। बात समझो, अगर किसी कंपनी को बंद होना है तो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, लेकिन तुम हो स्टार्टअप
तुम्हें हम प्रमोट करना चाहते हैं, तुमने जस्ट स्टार्ट किया है और स्टार्ट करने के बाद तुम्हें लग रहा है कि भाई कंपनी को हम नहीं चला पा रहे, तो तुम्हारी फास्ट ट्रैक प्रोसेस होगी, तुम 90 डेज में अपना वाइंड अप कर दोगे। अदरवाइज नॉर्मल कंपनी को तो सालों साल लग जाते, एक साल लग जाते, दो साल लग जाते वाइंड अप करने में, मतलब कितनी डिटेल प्रोसेस। लेकिन क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्टअप हो, हम आपको फॉर्मेलिटीज कम करना चाहते, तो 90 डेज में आप अपनी दुकान बंद करके जा सकते। समझ में आ रहा है? याद नहीं करना है, समझना है। चीजें समझ में आ रही है? नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया हब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो लॉन्च 2017 टू कनेक्ट दिस स्टार्टअप विद दिस स्टेक होल्डर। भैया एक्चुअल में आप देखना, स्टार्टअप को लेके इंडिया भी बहुत आगे चल रहा है, अभी डेटास भी हम देखेंगे, ठीक है। एग्जेम्पशन फ्रॉम दी, यहाँ पे ये इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 56 एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब इतनी डिटेल में अभी याद नहीं करना, जब वो टॉपिक आएगा तो डिटेल में याद करेंगे। इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 56 जो कि DPIIT, फुल फॉर्म जरा बताओ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, रिकॉग्नाइज करता है स्टार्टअप आर एग्जेम्प्टेड। कुछ इंडस्ट्रीज है जिनको साफ बोल दिया DPIIT ने, भैया तुम पे ये वाला जो सेक्शन का टैक्स लगता है ना, नहीं लगने वाला, ठीक है, छूट दे दी। क्या लिखा है? स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म फीचरिंग द प्रॉमिसिंग स्टार्टअप विद द इनोवेटिव सॉल्यूशन। भैया इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ लेकर आओ, स्टार्टअप आपको मिल जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में क्या था, इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, एक काउंसिल बनी गई है जिसने एक पॉलिसी बनाई है जो सपोर्ट करता है इनोवेटिव आइडियाज को, जो इनके इनोवेटिव आइडियाज होंगे वो उनको लेकर जाएगा कि भैया हम आपको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दिलवाएंगे, तो ये काउंसिल ये काम करवाती है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, अभी ऊपर ही पढ़ा था सीड फंड स्कीम, स्टार्टिंग लेवल में पैसा देना। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, रिकॉग्नाइज स्टार्टअप विद द हाई पोटेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड द सोशल इम्पैक्ट। इन्होंने क्या बोल दिया कि जो भी स्टार्टअप रिकॉग्नाइज है, जो इतना ज्यादा करे तो उनको अवार्ड वगैरह भी देंगे, जिससे वो और मोटिवेट होंगे। स्टेट, क्या लिखा है, स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क, स्टेट लेवल में भी, स्टेट मतलब क्या, हर स्टेट के हिसाब से इन्होंने क्या बोला, रैंकिंग फ्रेमवर्क चालू कर दिया। रैंकिंग से मोटिवेशन बना रहेगा कि भैया स्टेट में तुम नंबर वन हो तो वो और काम करेगा, और काम करेगा, तो रैंक स्टेट बेस्ड ऑन देयर स्टार्टअप। कुछ अभी तुम्हें स्टेट के नाम दिखेंगे जिसमें गुजरात हो गया, ठीक है, मेघालय हो गए, ये सब एक्चुअली में स्टार्टअप में बहुत आगे चल रहे, तो रैंकिंग सिस्टम आ गया ना तो लोग और मोटिवेट हो गए, तो सरकार ये सारे प्लान्स कर रही है। स्टार्टअप चैंपियन, ये क्या लिखा है, दूरदर्शन। अब तुम नोटिस करना, अक्सर ना टीवी का जो दूरदर्शन DD चैनल होता है ना, उसमें स्टार्टअप्स को लेकर बहुत सारा डेटा दिया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, तो वीकली प्रोग्राम होता है, शोकेसिंग होता है कि सक्सेसफुल स्टार्टअप कौन से, ताकि दूसरे लोग उसे देखकर और मोटिवेट हो जाए। फिर क्या लिखा है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक सेलिब्रेट होता है एंटरप्रेन्योरशिप इन दी जनवरी। जनवरी को एक डेट हमने फिक्स कर दी, ये स्टार्टअप को लेकर है। बच्चों जब एक डेट फिक्स हो जाती है तो लोग उसको मनाने लगते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं, और उनको मोटिवेशन होता है जो ऑलरेडी एक्चुअली कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्टेड पोर्टल, कनेक्टेड स्टार्टअप विद इन्वेस्टर हेल्पिंग मोबिलाइज कैपिटल फॉर दी इजिली, लोगों को इजिली कैपिटल मिल जाए। नेशनल मेंटोरशिप पोर्टल ऑफर मेंटोरशिप, भैया तुम स्टार्टअप है, तुम्हारे आइडियाज बहुत अच्छे, लेकिन तुम्हें पता नहीं बिजनेस कैसे चलाना है, तो सरकार तुम्हें मेंटोरशिप भी दे रही है कि भैया हम तुम्हारे मेंटोर है, तुम्हें गाइड करेंगे ताकि तुम सक्सेसफुल स्टार्टअप बना सको। फिर क्या लिखा है बच्चा, एक प्रोग्राम दे रखा है ASCND प्रोग्राम वर्कशॉप टू बूस्ट दी, समय समय पर एक वर्कशॉप होगा जिसमें लोगों की गैदरिंग होगी ताकि हम बूस्ट कर सके और ज्यादा स्टार्टअप नॉलेज इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को लेकर स्पेशली, क्योंकि ये हिली एरियाज होते हैं, वहां पे अवेयरनेस थोड़ी सी कम है कंपैरिजन टू ऑल, ठीक है। स्टार्टअप ये क्या लिखा है, 20 एंगेजमेंट ग्रुप, क्या तुमने G20 सुना था, मोदी जी ने यहाँ पे पूरा ये ऑर्गेनाइज करवाया था ताकि इनिशिएटिव ले सके, कोलैबोरेशन ग्लोबल लेवल में स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटीज मिल सके। बच्चों हमने क्या पढ़ा मुझे बताओ, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने जो हाथ पैर मारे कि भैया स्टार्टअप को यहां से यहां लेकर जाना है। अब तुम्हें लगता है कि ये पूरी 20 पॉइंट तुम्हें लिखने पड़ेंगे, तुम्हें क्या क्या याद हो पा रहा है थोड़ा सा मुझे रेंडमली बताओ, क्या क्या याद है, स्कीम, बस मैं करूं अंदर का कंटेंट बताते जाओ, अंदर का कंटेंट क्या, टैक्स एग्जेम्पशन हो रही 3 साल तक, वेरी गुड, दूरदर्शन में दिखा रहे, ये डेफिनेशन की बात कर रहे, वेरी गुड, नॉर्थ ईस्ट की जगह, वेरी गुड, रैंकिंग कर रहे स्टेट की, प्रमोट कर रहे हैं, पेटेंट जल्दी मिल रहे, अवार्ड दे रहे, क्या ये बात समझ में आ रही, तुम ये चीजें समझ में आई,
तो ये ना पूरे चैप्टर में ऐसी बातें करते जाएंगे, कुछ चीजें बार बार रिपीट होंगे, जैसे टैक्स में बेनिफिट, तो जो रिपीटेटिव चीजें वो एकदम से आपको याद होती जाएंगी। तो तुम्हें लोड ये नहीं लेना है आज से अभी से कि दीदी क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, रादर अभी तुम्हारा फोकस होना चाहिए समझना। अभी हमने क्या समझा, स्टार्टअप की डेफिनेशन समझी, वो तो याद होनी चाहिए। अब हमने देखा उसके बाद कि सरकार ने बहुत सारी स्कीम लेके आए, बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारे एक्शंस लिए ताकि हम स्टार्टअप को प्रमोट कर सके। यहां तक चीजें क्लियर है, पक्का? चल अब यहाँ पे जैसे ही पॉइंट्स कवर होते हैं, ये सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगी, बिल्कुल लोड मत लो, स्टिकी नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है? नीचे हेडिंग बताओ क्या लिखा है, इश्यू ऑफ क्या, स्वेट इक्विटी शेयर समझ में आता है? जरा पहले मीनिंग बताओ, अपने एम्प्लॉय को देना है, पुराने एम्प्लॉय को दे रहे हैं खून पसीने के लिए, ये था रिवॉर्ड, वेरी गुड, रिवॉर्ड दिया जाता है। लेकिन वहां पर जब हम ये पढ़ रहे थे ना, तो वहां पर छूट दी थी इन्होंने, एक लिमिट तक बोला था भैया ESOP इशू कर, सॉरी एक लिमिट तक आप सर्टिफिकेट शेयर इशू कर सकते, लेकिन स्टार्टअप को क्या बोला, भैया तुम्हें छूट है, तुम्हारी लिमिट थोड़ी सी ऊपर है। अब इन्होंने साफ बोल दिया है कि अगर कोई स्टार्टअप कंपनीज है ना, वो कितना इशू कर सकती है सर्टिफिकेट, 50%, जो वो लोग नहीं कर सकते थे, नॉर्मल कंपनी 50% नहीं कर सकती है, ठीक है? स्टार्टअप कंपनी को बोलते हैं भैया तुम 50% हो पेड अप कैपिटल, लेकिन कब तक, स्टार्टिंग के बस 10 साल तक, क्योंकि 10 साल के बाद तो आप नॉर्मल बन जाओगे और आपको नॉर्मल सर्टिफिकेट में आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, पक्का? अर्लियर पहले पुराने अगर डेटा की बात करो तो पहले बस 5 साल के लिए होता था, आज के टाइम पे वो 5 का क्या कर दिया है, 10, तो 5 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पुराने अगर कोई क्वेश्चन आंसर में 5 दिखता है तो भैया समझ जाना। तो कुल मिलाकर सर्टिफिकेट शेयर 50 से ज्यादा इशू कर सकते स्टार्टअप, वो भी फॉर दी 10 ईयर्स, जैसे 10 ईयर खत्म वापस से नॉर्मल लिमिट में आ जाने का। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इन्होंने क्या बोला, रिकॉग्नाइज एज अ स्टार्टअप। देखो कैसे स्टार्टअप के लिए आओगे, तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन देने का, एप्लीकेशन के साथ ना हम कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देते, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में पहले फुर्सत में क्या दो, तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई ना तो सर्टिफिकेट दो इनकॉर्पोरेशन का, साथ में राइट अबाउट द नेचर ऑफ द बिजनेस, पूरा हाईलाइट करो तुम्हारी कंपनी क्या काम करती है, क्या इनोवेटिव आइडियाज है, सब बताओ। पहला पॉइंट क्या बोला, ऑनलाइन एप्लीकेशन, दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या देना है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक्स्ट्रा जिससे आप अपनी पूरी कंपनी की हाईलाइट वाली चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, नेचर बताएंगे। तीसरी चीज बोली उन्होंने DPIIT, जरा फुल फॉर्म बताओ, वेरी गुड, ये जो डिपार्टमेंट है इसको एप्लीकेशन जाती है, ये एप्लीकेशन देखेगा, जरूरत पड़ेगा तो कोई डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन मंगवाएगा और जैसा ठीक लगेगा या तो स्टार्टअप के लिए हाँ बोल देगा या तो रिजेक्ट कर देगा या तो एक्सेप्ट या तो, सिंपल प्रोसेस है, एप्लीकेशन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट लेने के बाद लगेगा तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगेगा और उसके बाद या तो हाँ या तो ना कर देगा। क्लियर है, पक्का? अब यहाँ पे उन्होंने ये डेटा दे रखा है, उसको स्किप करेंगे, सीधा इधर आएंगे, क्या लिखा है, फोकस है टैक्स बेनिफिट। अब इन स्टार्टअप को टैक्स में भी बेनिफिट मिल रहा है, भैया पहला बेनिफिट आपको दिख रहा है सेक्शन 80, क्या दिख रहा है, 1AC, ठीक है, दूसरा क्या दिख रहा है, 81AC, ठीक है, टैक्स एग्जेम्पशन। दूसरा सेक्शन 56, क्या हमने कहीं ऊपर पढ़ा था इनिशिएटिव एक्शंस, इनकम टैक्स के सेक्शन 56 में छूट मिल रही थी, ठीक है, इंडिया स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी, इनकी अलग अलग स्टार्टअप पॉलिसी बन रखी है, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, कुछ क्लिक हो रहा है क्या, ये रैंकिंग स्टेट को रैंक्स दे रहे थे, वेरी गुड, इवोल्यूशन कैसे स्टार्टअप आज के टाइम पर ऐसे पहुंचा, यहां क्या लिखा है, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का रिजल्ट दे रखा है, 2021 का जो रिजल्ट दिया है उनके हिसाब से बेस्ट नंबर वन क्या रहा है, गुजरात, दूसरा क्या रहा है, कर्नाटका, तीसरा क्या रहा है, मेघालय, ये तीन स्टेट है जो नंबर वन पोजीशन में चल रहे हैं भाई, जिसमें गुजरात, फिर कर्नाटका, फिर क्या चल रहा है, मेघालय चल रहे हैं, ठीक है, ये तो बुक में ही लिखा हुआ है। अच्छा चलो, तो 3 बेस्ट स्टेट्स दिख रहे हैं आपको, 3 बेस्ट स्टेट दिख रहे हैं। फिर उन्होंने बोला क्या लिखा है, कॉम्बिनेटिव, मतलब एक तरीके से कलेक्शन, अगर 7 बोलूं तो इन सारे स्टेट्स में हो क्या रहा है, किस एरिया में बहुत ज्यादा हो रहा है स्टार्टअप, मतलब इनोवेटिव आइडियाज किस एरियाज में, इनोवेटिव जो आइडियाज है उनका एरिया है, एरिया नंबर वन क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स में, या फिर क्या बोल दिया, फॉस्टर, मतलब होता है एनकरेज करना, फॉस्टर करना मतलब एनकरेज करना, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन में, एसेस टू मार्केट, इंक्यूबेशन सपोर्ट, इंक्यूबेशन सेंटर समझते हैं, है ना, कि स्टार्टअप के लिए कुछ
हमने जगह अवेलेबल करा दी, वर्कशॉप टाइप की गैदरिंग हो जाएगी, लोग अपना काम कर पाएंगे, वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ हो पाएगा, फंडिंग सपोर्ट दे रहे, मेंटोरशिप सपोर्ट दे रहे, कैपेसिटी डेवलपमेंट एनेबल्स कर रहे, कुल मिलाकर इन तीन स्टेट में, इन एरियाज में ज्यादा फैल रहे हैं हम, स्टार्टअप इन एरियाज में हो रहे हैं। एक तो स्टेट वाइज एरियाज बताएं और उसके अंदर उन्होंने बोला कि सेगमेंट क्या है इनका, किस तरफ जा रहे हैं ये लोग, इन्होंने कहा भैया इंक्यूबेशन, फंडिंग, मेंटोरशिप, इन सब का स्टार्टअप कुछ ज्यादा हो रहा है। बातें समझ में आ रही है? पक्का। एनकरेज करना, क्या एनकरेज करना, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन। अब ऊपर मैंने कुछ चीजें छोड़ी, जैसे कि ये सारी चीजें आपको यहां से रीड करने, लेकिन ये टैक्स का बेनिफिट मैं पढ़ा रही हूँ, टैक्स का बेनिफिट मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन एक बार टैक्स का बेनिफिट वापस से हमने यहां तक पढ़ा। स्टार्टअप कैसे करते हैं जरा बताओ, एप्लीकेशन, देन सर्टिफिकेट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, और दूसरा नेचर वेचर बताना है, पूरा मेमोरेंडम आर्टिकल काइंड ऑफ। तीसरी चीज क्या बोली उन्होंने, डीपीआई एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बेनिफिट्स। टैक्स के मैंने कुछ सेक्शंस बताए, इन सेक्शन के बेनिफिट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बोलूँ, स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड है ना या फिर LLP है ना, कैन अप्लाई फॉर दी सर्टिफिकेशन टू गेट दी टैक्स एग्जेम्पशन। तुम्हें साफ बोला भैया प्राइवेट कंपनी और LLP, तुम तो चुपचाप आओ और क्या करो, टैक्स का छूट ले लो। तुम्हें बस इनकम टैक्स को एप्लीकेशन देना है। आप क्योंकि स्टार्टअप में कवर होते हो, स्टार्टअप में कैसे कवर होगे, 10 साल से कम हो, 100 करोड़ से कम है तुम्हारा टर्नओवर, और क्या था, इनोवेटिव आइडियाज के साथ हो, तो आप सीधे से एप्लीकेशन दो, आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी। कौन से वाले सेक्शन में, 81AC जो भी पढ़ा तुमने, ठीक है। अब जब टैक्स पढ़ोगे तो उसमें समझोगे, उसमें इतनी डिटेल में आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, कि साफ साफ ये लोग देंगे, इनको छूट मिल जाएगी। To be eligible, the startup must have been incorporated. लेकिन ध्यान रखना, तुम कौन से वाले startup हो जो 2016 के बाद आए हो। आप क्या claim कर सकते हो? 3 साल के लिए tax में छूट मिल रही थी। इनका 3 consecutive financial year, first 10 year में, अभी आपकी company को incorporate 10 ही साल में, आपको 3 साल का tax holiday मिल जाएगा। मतलब कोई भी tax देने की जरूरत नहीं है, कितना ही profit क्यों ना हो जाए, इससे कोई फर्क आपको पड़ता नहीं है। सरकार आपको tax में छूट, just because वो startup को promote करना चाहती है। समझ में आ रहा है? दूसरा सेक्शन 86, एंजल टैक्स। अब ये एंजल टैक्स एग्जेम्पशन क्या है, इन्होंने कहा एंजल टैक्स एग्जेम्पशन मतलब बहुत बड़ा अमाउंट टैक्स का हम आपको छूट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई? इन्होंने कहा सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज, आपको चेक करेगा, कौन चेक करेगा, DPIIT जो कि डिपार्टमेंट है, प्रमोट करता है इंडस्ट्रीज को, इंटरनल ट्रेड को। ये एक गवर्नमेंट का समझ ले कि रिकॉग्नाइज बॉडी है जो आपको एक बार चेक करेगा। अगर आप चेक किए जाते हो और आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ आ रहे हो तो भैया आपको एंजल टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन ये तब मिलेगी जब आपका पेड अप एंड प्रीमियम आफ्टर इशू कितने ज्यादा नहीं है, 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तब हम आपको देंगे। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, रिस्ट्रिक्टेड एसेट, आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, लग्जीरियस आइटम, इसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट, कुल मिलाकर सेक्शन 56 में आपको छूट तब मिलेगी जब DPIIT आपको रिकॉग्नाइज करेगा, और प्लस आपके इन्वेस्टमेंट इन एरियाज में नहीं होने चाहिए जहां मना करके रखा है। उन्होंने कहा आपके एसेट में, आपकी कंपनी का एसेट क्या नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं, कोई लग्जीरियस आइटम जैसे कार वगैरह सब लग्जीरियस में आती है, ये सब आपके एसेट्स नहीं शो होने चाहिए, तो फिर हम आपको प्रमोट करेंगे। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आप कमर्शियली बढ़ रहे हो ना, आप अपना पर्सनली क्यों बढ़ रहे हो, हम आपको पर्सनली बढ़ने नहीं देंगे, लग्जीरियस रेसिडेंशियल ये सब नहीं अलाउ करेंगे। तो सेक्शन 56 आपको इस तरीके से छूट देता है। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करोगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी, जो भी हेडिंग देखी थी। स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी में उन्होंने बोला कि सिंपल, हमने स्टेट वाइज रेगुलेशंस क्या कर दिए, सिंपल कर दिए। ऑफर क्या कर रहे हैं, मेंटोरशिप, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अभी आपने देख लिया, गुजरात, कर्नाटका, मेघालय। तो ये कुछ टैक्स की छूट्स हमने यहाँ पर देख ली एक साथ। चीजें क्लियर है? एरियाज समझ में आ गए, किन किन एरियाज में आपको छूट मिल रही है? पक्का। अब मुझे बताओ हेडिंग क्या है, क्या तुमने स्टार्टिंग में एक्शंस देखे थे गवर्नमेंट ने लिए थे? एग्जेम्पशन में काफी कुछ चीजें सिमिलर मिलेंगी। पहला क्या लिखा है, सिंपल प्रोसेस कर दिया, पढ़ा था हमने। क्या लिखा है, कॉस्ट रिड्यूस हो गया 80% तक, पेटेंट में पढ़ा था जल्दी से फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो रही थी, 80% तक कॉस्ट रिड्यूस हो जा रही थी। फिर क्या लिखा है, इजी एस टू फंड, मतलब क्या बोल रहे हैं भैया, फंडिंग सरकार दे रही है आपको। नेक्स्ट क्या लिखा है, टैक्स हॉलीडे 3 ईयर्स, ये सब रिपीट है, अभी तक कुछ नया नहीं मिला आपको, ठीक है। 3 साल तक के टैक्स फ्री कर दिया हमने। अप्लाई फॉर दी टेंडर, इन्होंने क्या बोल दिया, टेंडर, गवर्नमेंट टेंडर ओपन होते हैं, उन टेंडर्स में ना कुछ कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल, टेंडर वही भरेगा जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, टेंडर वही भरेगा जिसके पास इतना टर्नओवर है। ये कुछ क्राइटेरियाज रखते थे एक्सपीरियंस को लेके, टर्नओवर देखकर कुछ क्राइटेरिया सरकार रखती है, लेकिन अगर आप स्टार्टअप कंपनीज हो तो आप पे वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। मैं आईटेक्स कंपनी 50 साल पुरानी, ठीक है,
तुम लोग की स्टार्टअप कंपनी है जो अभी जस्ट बनी है, गवर्नमेंट का टेंडर ओपन होता है, टेंडर में लिखा है कि भैया आपको 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, टर्नओवर में आपका इतना करोड़ होना चाहिए, मेरा वो टर्नओवर है, तो वो जो कंडीशंस है वो नॉर्मल कंपनीज में लगते हैं। स्टार्टअप को बोल दिया तुम बिना ये सारी फॉर्मेलिटीज के सीधा फॉर्म भर सकते हो, तुम्हारे अगर नहीं है इतने साल तो भी चलेगा, तुम्हारा टर्नओवर इतना नहीं है तो भी चलेगा। बात समझ में आ रही है? जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि स्टार्टअप को क्या करना है, प्रमोट करना है। पूरा चैप्टर स्टार्टअप का प्रमोशन की बात कर रहा है, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? ये क्या लिखा है? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। इन्होंने कहा कि भैया बहुत सारे न्यू रिसर्च पार्क खुले हैं। अब तुमने ये IT पार्क तो सुना ही होगा, क्या है ये IT पार्क? सही बोल रहे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पूरा पार्क है जिसमें सारे के सारे लोग क्या होंगे, IT सेक्टर के होंगे। मतलब IT से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानते हो तो IT पार्क में चले जाओ। कहाँ पर है IT पार्क, लोकेशन बताओ? MBB के अंदर अंदर चले जाएंगे, बर्गी हिल्स के बाद बीच के वो रास्ते में पड़ता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये IT पार्क खुला है, दैट मीन्स ये क्या कह रहे हैं, हम किसका पार्क खोलेंगे, रिसर्च का पार्क। मतलब यहाँ पे जितने सब लोग होंगे उनका काम ही क्या होगा, रिसर्च। किसी को अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर IT से रिलेटेड कुछ चाहिए, मुझे कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे अपने CS दुनिया को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे कुछ ऐप में काम करनी है, वेबसाइट्स बनानी है, डेवलप करनी है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, IT पार्क जाना है। मुझे कुछ रिसर्च करवानी है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, रिसर्च पार्क। तो सरकार ने क्या बोला कि भैया 7 न्यू रिसर्च पार्क विल बी सेट अप टू फैसिलिटी द स्टार्टअप। जिन भी पूरी इंडिया में उन्होंने कितने ऐसे रिसर्च पार्क बनवाए हैं, 7 बड़े लेवल में, कि भैया किसी को रिसर्च करवाने तो इनके पास आइए, ये आपका काम करवा देंगे। तो वहां पे आपको कंप्लीट चीजें मिल जाएंगी। क्या ये बातें समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या लिखा है? कंप्लाइंसेस कम होंगे, टैक्स सेविंग हो जाएगी फॉर द इन्वेस्टर्स। ऊपर हमने पढ़ा मैं स्टार्टअप कंपनी हूं तो 3 साल मुझे हॉलीडे मिलेगा, मुझे कोई टैक्स पे करने की जरूरत, कितना ही प्रॉफिट क्यों ना हो जाए। लेकिन टैक्स सेविंग फॉर इन्वेस्टर्स, जो स्टार्टअप में पैसा लगाएगा ना उसे भी मिलेगा छूट। मतलब आईटेक्स को भी छूट मिल रहा है और आईटेक्स में पैसे लगाने में इन्वेस्टर्स को भी क्या मिल जाएगा, छूट मिलेगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि स्टार्टअप में लोग पैसा लगाने से डरे ना, और मोटिवेट किया जा रहा है और अट्रैक्ट किया जाए कि आओ भैया स्टार्टअप को। सरकार तो कर ही रही है पुश, लेकिन हम चाहते हैं कि भैया नॉर्मल जनता भी आकर इसे पुश करेगी, तो यस ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा, फंडिंग मिलेगी। नेक्स्ट क्या लिखा है? स्टार्टअप को तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी दे दी, भैया तुम सब इन्वेस्टर हो, स्टार्टअप आईटेक्स खुद चूज करेगा मुझे इससे लेना, इससे लेना, इससे लेना, किससे पैसे लेने। बातें समझ में आ रही है? पक्का चीजें समझ में आ रही है? अभी याद करने में फोकस नहीं, ऑटोमेटिकली जब हम कुछ एक पोर्शन पढ़ लेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तो तुम्हें वो आंसर्स बन रहे होंगे क्योंकि रिपीटेटिव है। कहा वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ठीक है। अब वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगी, अभी आगे चल के वो कंसेप्ट आएगा। चूज योर इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट चलो बता देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब कि वेंचर मतलब होता है रिस्क, कैपिटल मतलब तुम रिस्क लेने को तैयार हो, मुझे दे रहे हो, तुम इन्वेस्टर हो। लेकिन तुम जो इन्वेस्टर हो वो थोड़ा ज्यादा बड़ा रिस्क ले रहा है क्योंकि तुम स्टार्टअप को पैसे देने वाले, तो तुम भी वेंचर कैपिटलिस्ट हो, तुम सब रिस्क लेने को तैयार हो। तुम लोग ऐसा करते हो, तुमने अक्सर देखा होगा मूवीज में कहीं पे देखा होगा कि कुछ एग्जीबिशन रहते हैं, जिसका एग्जीबिशन बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है उसको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, उसको फंडिंग मिल जाती है। तो ये फंडिंग करने वाले कौन लोग होते हैं, घूम रहे होते हैं पैसा लेकर कि भैया हमारे पास पैसा है लेकिन हम आइडियाज ढूंढ रहे हैं, अगर कोई अच्छा आइडिया लगा तो उसको मोटा पैसा दिया, साथ में ओनरशिप में आ जाएंगे और चलो साथ में बिजनेस करते हैं। शार्क टैंक वन ऑफ देम, पूरे शार्क टैंक जो बैठे हैं सब वेंचर कैपिटलिस्ट बैठे हैं, कुछ वेंचर है कुछ एंजल है, डिफरेंस होते हैं उन सब में, डिटेल में जाएंगे। समझ में आ रही है बातें? तो जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें खुद उसमें एक्चुअली में बहुत अच्छी बात बोली, शार्क टैंक में होता क्या है, मैं अपना प्रोडक्ट बता रही हूँ, तुम सब शार्क हो, मैं चूज करती हूँ ना मुझे किससे पैसा लेना है, सब ऑफर देते हैं अपना अपना, वो इसी बात करे, चूज योर इन्वेस्टर। समझ में आ रहा है कैसे चूज योर इन्वेस्टर? आइडिया मेरा है, पैसा मुझे किससे लेना है, किससे मुझे हेल्प लेनी है, दैट वॉज चूज योर इन्वेस्टर। क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा है? पढ़ा था, तुरंत वाइंड अप कर लो भैया, 90 डेज में फास्ट ट्रैक प्रोसेस है तुम्हारी दुकान बंद करने की, ठीक है, बहुत लंबी प्रोसेस में मत जाओ, 1-2 साल में मत जाओ। नेक्स्ट मीट अदर एंटरप्रेन्योर, समय समय पे गैदरिंग की जाती है, ठीक है, एग्जीबिशंस लगते हैं हर चीज के। प्रपोज टू बी होल्ड, क्या लिखा है, 2 स्टार्टअप फेस्ट होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सरकार गवर्नमेंट ये करवा रही है, एनुअली करवाती है, नेशनल लेवल में भी कराती है और इंटरनेशनल लेवल, कि भैया जाओ देखो आइडियाज। अक्सर लगता है बच्चों बस हम लोग ध्यान नहीं देते, कुछ स्टार्टअप्स रहते हैं फेस्टिंग होती रहती है, जैसे तुम छोटा मोटा अगर देखो तो गोल बाजार में कुछ कुछ चलता रहता है। वो गोल बाजार में क्या होता है, अवेयरनेस पॉइंट, हर कोई बेचने के लिए नहीं बैठा है, मार्केट समझने के लिए जाते हैं। तो बड़े लेवल में कहूंगी हर कंपनीज अपने फेस्ट में जाती है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली क्या इंडिया के बाहर भी होता है, ठीक है, जैसे अभी तुम्हें साक्षी में हमने एग्जाम्पल दिया होगा अपने फादर जी का, उनके ड्राई फ्रूट्स का उनका काम है,
उनके पापा का अगर मैं बोलूँ तो बहुत बड़ा उनका काम है, ड्राई फ्रूट्स का काम है, ठीक है, ऑल ओवर जबलपुर तो छोड़ो, बाहर भी उनका अच्छा खासा काम है अंकल जी का, ठीक है। अब वो पाकिस्तान गए थे क्यों? क्योंकि वहां पर, क्योंकि वो उन्होंने पासपोर्ट का सिस्टम का वो कुछ एग्जाम्पल दिया होगा, लेकिन मैं बता रही, वो पाकिस्तान गए थे। जस्ट बिकॉज क्यों गए? क्योंकि वहां पे एग्जीबिशन फेस्टिंग थी, हर टाइप के काजू बादाम जो ये सब रहते हैं उन सबको देखने के लिए, कि भैया फेमस है भैया। अगर मैं बोलूँ पाकिस्तान के काजू बादाम की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल होती है, अगर ड्राई फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो उनके ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी देखने गए थे। तो ऐसे हर बिजनेस, हर धंधे में क्या होता है, फेस्टिंग होती रहती है। तो स्टार्टअप की भी अपनी एक फेस्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल रॉकी सर के जो भाई है, उनका किसका काम है, गाड़ी वाड़ी का काम है। जैसे तुमने लेंटर वगैरह देखा होगा, कैप्सूल वाले, जो वो लेंटर नहीं होते जो बड़ी बड़ी मशीनों में लेंटरिंग वाले मटेरियल बनते हैं, मशीन देखोगे जो बड़ी बड़ी, तो उनका ये सारा काम है। मतलब उनकी खुद की बहुत सारी ऐसे साइट्स हैं जिसमें ये काम करवाते हैं। अब वो लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली में उनका फेस्ट लगता है, तो वो देखते हैं कि भैया क्या क्या टेक्नोलॉजी की और क्या क्या गाड़ियां बन चुकी है। तो हर बिजनेस का अपना एक फेस्ट होता है, ऐसे स्टार्टअप का भी उन्होंने क्या लगा के रखा है, फेस्ट, कि हर नए आइडियाज को देखेंगे। और वहां पे जिसका अच्छा लगता है वहां पे वेंचर कैपिटलिस्ट भी घूम रहे होते हैं। जैसे कि मैंने साक्षी मैम का एग्जाम्पल दिया, तो उनके फादर क्या देखने गए थे, वेंचर कैपिटलिस्ट बन के घूम रहे थे कि भैया जो माल अच्छा लगे उठा लूंगा ना, जिसका आइडियाज में दम लेकर ले आऊंगा ना, इंडिया में भी ले आऊंगा वो माल। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे रॉकी सर के भाई का एग्जाम्पल दिया मैंने, वो क्या देख रहे कि भैया जिसकी गाड़ी मुझे बेस्ट लगेगी उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा ना मैं। के बातें समझ में आ रही है? तो ये एक तरीके से क्या है, आप वहां पे दूसरे एंटरप्रेन्योर से जाकर मिलते हो और आपका दिमाग और वे 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 बेटर होता है कि भैया हम कैसे अपने बिजनेस में और प्लस पॉइंट करें। बात समझ में आ रही है? पढ़ क्या रहे हैं, हेडिंग बताओ जरा, छूट पढ़ रहे हैं, एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं? तो ये कह रहे भैया समय समय में फेस्टिंग होती है जिससे एंटरप्रेन्योर से मिलते हो और आइडियाज और बड़े होते हैं। क्लियर है? पक्का? कुछ चीजें रिपीट मिली और कुछ दूसरी बातें भी मिली, तो सबका कंपाइलेशन करना है। चीजें अभी समझो, अभी याद करने में फोकस नहीं, याद करवाऊंगी समझाऊंगी क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, कंपनीज एक्ट ना बहुत छूट देता है। क्या आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है? मुझे बताओ, सेक्शन 2 पढ़ा होगा, डेफिनेशन वगैरह, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला, कुछ सुना सुना सा लग रहा है मुझे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, अभी ये चल रहा है कंपनीज लॉ में हमारा। फिर मुझे क्या सर्टिफिकेट शेयर पढ़ा है? क्या आपने इश्यू ऑफ फर्दर कैपिटल, शेयर कैपिटल रिड्यूस करना पड़ा है? क्या डिपॉजिट पढ़ा है तुम लोगों ने? क्या तुमने एनुअल रिटर्न पढ़ा है? अभी बचा एनुअल रिटर्न, लेकिन वो अकाउंट से रिलेटेड ही है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग पढ़ लिया है? अभी आपने ये नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन काफी कुछ 90% चीजें आप पढ़ चुके हैं कंपनी लॉ के। ये बस आपको क्या बोल रहे हैं, अलग अलग सेक्शन का वास्ता दे रहे हैं, और सेक्शन में क्या बता रहे हैं कि देखो नॉर्मल कंपनी में ये लगता है, लेकिन क्योंकि ये स्टार्टअप कंपनी है इसमें ये सारी चीजें नहीं लगती। जैसे कि स्वेट इक्विटी एग्जाम्पल लेते हैं, सर्टिफिकेट तो पढ़ लिया, नॉर्मल कंपनी को बोला तुम्हारी लिमिट कम होती है, 20 लिमिट है, 25 लिमिट है, सॉरी तुम्हारी नॉर्मल लिमिट क्या 25, लेकिन तुम स्टार्टअप कंपनी हो तो तुमको क्या बोल दिया 50% कर लो, लेकिन कब तक के लिए, 10 साल। तो हर सेक्शन के अगर आप डिटेल जाते हो, प्रोविजन में जाते हो, तो यही लिखा रहता था कि भैया स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, छूट छूट छूट, यही पढ़ते रहते थे। आओ, हाँ बेटा, सबके अपने अपने, हाँ, फिर नॉर्मल कंपनी ट्रीट किया जाएगा, वो तो आप नॉर्मल कंपनी, आईटेक्स नॉर्मल कंपनी, बस अभी 5 साल हुआ और इनोवेटिव आइडियाज के साथ, इसलिए तुम्हें स्टार्टअप वाली फीलिंग दे रहे, स्टार्टिंग के 3 ईयर्स में होता है कि भाई बूम मार गया तो वेरी गुड, हम तुम्हें फ्री कर रहे हैं कि भैया लॉस भी होगा कोई टेंशन नहीं, फायदा भी होगा कुछ नहीं, री इन्वेस्ट करो, टैक्स नहीं लेंगे तुम्हें करना, अब जैसे ही 7 साल टैक्स देना पड़ेगा, और 10 साल के बाद तो नॉर्मल कंपनी ट्रीट हो जाओगे। तो हाँ, अब जैसे कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला, क्या बोला इन्होंने, बोला कि देखो भाई नॉर्मल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, जरा मुझे डेफिनेशन बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, पीएनएल आता है, स्टेटमेंट इन चेंज इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट। इन्होंने बोला भैया तुम प्राइवेट कंपनी हो, स्टार्टअप हो, एक काम करो, तुम्हारे इसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि तुम स्टार्टअप हो, तुम्हारी फॉर्मेलिटीज कम करें, तुम मत बनाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट। के बात समझ में आ रही है, फॉर्मेलिटी कम। नेक्स्ट क्या बोला, सर्टिफिकेट तो समझ में आ गया, ठीक है। फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इन्होंने कहा हमने एक एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ी थी, याद होगा आपको, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड होगा, कौन नहीं इंक्लूड होगा, प्रमोटर या फिर डायरेक्टर, कुछ याद आ रहा है कि हम इनको क्या नहीं देते थे, एम्प्लॉय की डेफिनेशन, स्वेट इक्विटी शेयर, इसॉप, हम इनको मोटिवेट नहीं करेंगे। इसॉप थोड़ा मुझसे मुझे बताओ, इसॉप क्या था? हाँ, कि भैया तुम्हें हम इंगेज करना चाह रहे, एम्प्लॉय की नेगेटिव डेफिनेशन थी, लालच देना। तो कह रहे भैया तुम कंपनी के प्रमोटर को थोड़ा ना लालच दोगे,
याद आ रहा है? तुम उस डायरेक्टर को भी नहीं दोगे जिसके पास क्या है, 10% है, उससे ज्यादा क्या है? लेकिन क्योंकि तुम स्टार्टअप कंपनी हो, तुम दो ना, तुम अपने प्रमोटर को दो, समझ रहे हो? तुम उस डायरेक्टर को भी दो जिसके पास 10 है। भैया तुमको छूट, बात समझ में आ रही है? डिपॉजिट की डेफिनेशन, हमने डिपॉजिट की डेफिनेशन लंबी चौड़ी देखी थी। एक बड़ा सा टेबल आया था, पूरी नेगेटिव लिस्ट थी। ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता, डिबेंचर तो नहीं होता, ये तो नहीं होता, पूरी नेगेटिव लिस्ट थी। इन्होंने बोला डिपॉजिट की डेफिनेशन में अगर स्टार्टअप कंपनी ने कितना ले रखा है, कितना लिखा है, 25 लाख और मोर नॉट इंक्लूड। इन्होंने कहा बाय द स्टार्टअप कंपनी अगर कन्वर्टेबल नॉट इंक्लूड, सीधी बात उन्होंने बोला, अगर कोई स्टार्टअप है, सिंपल भाषा में इधर आओ, अगर मैं डिपॉजिट की बात करूं, डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड होगा 25 लाख और मोर ऑफ दैट रिसीव। अगर किसी स्टार्टअप कंपनी को 25 लाख या उससे ज्यादा होता है और वो जो पैसे आ रहे हैं वो कन्वर्टेबल तरीके से आ रहे हैं, कन्वर्टेबल मतलब प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्ट हो जाएगा, डिबेंचर जो कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्टेबल नोट मतलब चेंज हो जाना, लेकिन 10 साल तक हम आपको डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे, वो नॉर्मल होगा, लेकिन 10 साल के बाद वो डिपॉजिट ट्रीट होगा। और डिपॉजिट ट्रीट हो जाएगा तो डिपॉजिट के सारे रूल्स रेगुलेशन भी लगेंगे, जो सेक्शन हमने पढ़ा था, कुछ थोड़ा बहुत डिपॉजिट का याद दिलाती हूँ, पूरा चैप्टर भूल गए। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, डिपॉजिट मेंबर से ले रहे थे और प्राइवेट, मैंने क्या बोला था, जिससे बैंक में डिपॉजिट होता है, ऐसे रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी सबके सब डिपॉजिट जनता से लेते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा था यार, तब इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते, याद आया? मैंने कहा था बैंक में जैसे होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है, ऐसे ही कंपनी भी डिपॉजिट लेती है। तो इन्होंने कहा भैया तुमको छूट दे दी हमने 10 साल तक, मैक्सिमम लिमिट थी डिपॉजिट की। इन्होंने बोला स्टार्टअप में वो मैक्सिमम लिमिट नहीं लगेगी, कब तक के लिए, 10 साल, एक लिमिट से ज्यादा नहीं ले सकते हो। लेकिन भैया तुम स्टार्टअप हो, तुम मार्केट से जितना डिपॉजिट उठाना है उठाओ। नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी 5 साल के लिए। इन्होंने कहा प्रोहिबिशन की बात करेंगे तो प्रोहिबिटेड कर रखा था भैया स्टार्टअप में। कुल मिलाकर डिपॉजिट की सारी चीजें कहाँ छूट दे दी, स्टार्टअप कंपनीज को। फिर उन्होंने बोला हमने एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है तुमने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन एक एनुअल रिटर्न होता है। प्राइवेट कंपनी अगर स्टार्टअप है तो एनुअल रिटर्न में साइन करवाओ, किसके साइन कराओ, सीएस के। और एक कंपनी में अगर सीएस नहीं है तो क्या बोल दिया, किसके कराओ, डायरेक्टर के। तो इतने से काम चल जाएगा, मतलब बाकी लोगों के सिग्नेचर की हमें जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर एनुअल रिटर्न जब मैं पढ़ाऊंगी, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का साइन तो पढ़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरा मुझे बताओ कौन कौन साइन करता था, सीएस, सीएफओ, सीएस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरपर्सन भी। अगर चेयरपर्सन है तो दो डायरेक्टर और उसमें से एक एमडी, मतलब बहुत सारे लोग के साइन होते ना, ऐसे एनुअल रिटर्न में भी बहुत सारे साइन होते। लेकिन क्योंकि तुम स्टार्टअप हो, तुम बस सीएस के साइन कराओ, और सीएस नहीं है तो कोई एक डायरेक्टर, काम चल जाएगा, फॉर्मेलिटीज कम करी ना, कम लोगों के साइन। नेक्स्ट क्या बोला, मीटिंग, बोर्ड मीटिंग साल भर में मिनिमम 4 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप स्टार्टअप कंपनी हो, अ प्राइवेट कंपनी विच स्टार्टअप डीम टू बी हैव कंप्लाई, तुमको ये मीटिंग वीटिंग करने की जरूरत नहीं है। हमने पढ़ा था ओपीसी, इन सब प्राइवेट कंपनी, इन सबको क्या बोल दिया गया था, आधे साल में एक तो हो जानी चाहिए, मतलब साल भर में दो। इन्होंने बोला तुम नहीं भी करोगे ना तो भी हम मान लेंगे कि भाई तुम्हारी मीटिंग हो चुकी है। ईच का कैलेंडर 90 डेज का गैप, जो नॉर्मल लोगों पे लगता है तुम पे नहीं लगने वाला, समझ में आ रही है? मतलब कंपनियों में बहुत सारी बातें जो इनको छूट देती है। फिर उन्होंने बोला अगर स्टार्टअप कंपनी फेल हो गई कोई भी कंपनी एक्ट की बात मानने में, तो जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उसकी जो लाइबिलिटी होगी और जो कंपनी की लाइबिलिटी होगी, इन्होंने बोला हाफ हो जाएगी। एक्ट में जहां जहां पेनल्टी दे रखी है स्टार्टअप कंपनीज के लिए, वो पेनल्टी आधी, जहां आपको 50,000 दे रखा है वहां इनके लिए क्या हो जाएगा, 25,000, जहां 20,000 दे रखा है वहां हो जाएगा 10,000। तो कुल मिलाकर बोल रहे लेसर पेनल्टी फॉर दी ओपीसी स्मॉल कंपनी और जो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्टार्टअप कंपनी। साफ इन्होंने बोला कंपनी की कभी भी जो पेनल्टी है 2 लाख से ऊपर नहीं जाएगी और ऑफिसर की 1 लाख से ऊपर नहीं। कुल मिला के प्रमोट कर रहे हैं ना कि मत टेंशन लो, कुछ नॉन कंप्लायंसेस भी होते तो तुम पे पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये हमने कंपनीज एक्ट में कहाँ कहाँ सेक्शंस में आपको छूट मिल रही है ये समझा, समझ में आ रहा है? रुको शॉर्ट में बस बता रही हूँ क्या लिखा है। लाइफ साइकिल, किसकी लाइफ साइकिल, स्टार्टअप की। शॉर्ट में सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, आइडिया आता है, उसको धीरे धीरे डेवलप करोगे, फिर उसको और वैलिडेट करोगे, पक्का कर लोगे हाँ भाई कि ये अब कंटिन्यू करना है। फिर अर्लियर लेवल में थोड़ा सा क्या होगा, ट्रैक्शन, मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। फिर उन्होंने बोला या तो ग्रो कर जाओगे या तो एग्जिट कर दोगे,
ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे पहले आइडिया आता है, तो आइडिया की जनरल बातें पढ़े, आइडिया आ रहा है मतलब आइडिया के साथ स्टार्ट किया आपने, फोकस किया, थोड़ी सी टेस्टिंग वेस्टिंग करोगे किस प्रोडक्ट को उतारो, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज है, काम करेगा कि नहीं करेगा। जब पहली बार सोचा होगा कि पानी भी बेचा जाएगा, पानी फ्रीली मिलने वाली सेल्फी से, नदी वदी सब जगह, तुम्हें लगता था कि जो सिनेरियो था इंडिया का वो पानी खरीदेगा बॉटल में पैक्ड? कौन खरीदता पानी, कौन खरीदता है यार? ऐसे थॉट प्रोसेस होंगे स्टार्टिंग में। तो जब वो पहली बार बॉटल बनी होगी उसमें पानी डाल के बोलोगे मैं पानी बेच रहा हूँ, वो कहेंगे यार ये तो फ्री में मिलता है, लोग तो ऐसे मटके में रख देते हैं पीने के लिए, तुम बेच क्यों रहे हो? तो उसको पागल की नजर से देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे? तो कुल मिलाकर इन्होंने कहा भैया कोई प्रोडक्ट ला रहे हो ना तो पहले मार्केट में टेस्टिंग कर लो, देख लो, धीरे धीरे डेवलप होता है। आज तो भैया खरीदा हुआ पानी ही पियेंगे, कोई ऐसा मटके में रखा है मजा लो तुम लोग पी लोगे उससे नहीं, लेकिन पहले क्या ये थॉट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो कभी भी कुछ भी पहले आइडिया आता है, आइडिया के बाद आप उसकी टेस्टिंग बोलते हो कि इतना फिजिबल है वो प्रोडक्ट सर्विस, फिर उसके की कंसिडरेशन में देखते हो कि भैया मार्केट में गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या कुछ और भी चीजें हैं, थोड़ा सा देखो डेवलप करो। फिर आफ्टर इवेल्युएटिंग द फिजिबिलिटी नेक्स्ट स्टेप है कि वैलिडेट करो प्रोडक्ट को, एकदम पक्का करो, फाइनल करो। प्रोडक्ट एक बार पक्का हो गया है, धीरे धीरे कस्टमर के फीडबैक लो, ठीक है, इसकी और टेस्टिंग करो। फिर इन्होंने क्या बोला कि अब धीरे धीरे अर्ली लेवल में ना आप ना मार्केट के हिसाब से चीजों को थोड़ा चेंज करते हो, जरूरी नहीं जो प्रोडक्ट तुम लाए हो मार्केट में वैसे ही एक्सेप्ट हो जाए। जब पानी लाए होंगे तो नॉर्मल पानी होगा, धीरे धीरे उसमें मिनरल्स तुम देखो, आज के टाइम पे वो क्या, वो ब्लैक वाटर क्या होता है, क्या करते हैं उसमें, क्या डालते हैं, वो काला पानी, समझ रहे हो ना? तो धीरे धीरे चीजें ऐड ऑन भी ना कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से चीजें हमने बदली ना कि डिमांड के हिसाब से। तो इन्होंने कहा प्रोडक्ट इज टेस्टेड, तो और भूल हो जाता है यार। टारगेट कस्टमर, भैया हमको किसको देना है, हमें प्रीमियम ऑडियंस को देखना है जो एक्चुअल में इतना खर्चा करेगी, हर कोई नहीं पिएगा और कोई पी भी नहीं पाता, कितना अजीब लगता है वो पीने में भी, है ना? टेस्ट किया कभी? सेम रहता है कुछ, तो मैंने कुछ और पी लिया क्या? लगता मैंने कुछ और पी लिया, फिर बहुत अजीब टेस्ट था वो तो। कुछ मिला दिया, चलो आ जाओ, बहुत महंगी भी रहती फ्री का। हाँ चलो, वैलिडेशन में क्या लिखा है, बिकम मोर विजिबल स्टार्टअप बिगन विद जनरेट रेवेन्यू एंड कैश फ्लो, कस्टमर रिटेंशन रेट, फीडबैक, और तुम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हो। फिर ये क्या लिखा है, ये टर्म क्या लिखा है बच्चों? पाइवोटिंग, पाई बोलेंगे मेरे ख्याल से इसका, पिविटिंग, पक्का एक बार देखना प्रोनाउंस इसका थोड़ा अजीब था, पिविटिंग। चलो पिविटिंग, अब पिविटिंग क्या होता है जरा बताओ, मार्केट के हिसाब से धीरे 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 उनके फीडबैक लेके चेंज करना, अगर डिटेल में बोलूं एडजस्ट करना, डिटेल में बोलूं तो स्ट्रैटेजी एडजस्ट करो, मॉडल प्रोडक्ट अप्रोच को लोगों के फीडबैक लेने के बाद चेंज करो। आपका मेन पर्पस क्या है कि मार्केट में वो फिट हो जाए, लोगों को वो एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए कि हाँ चीज यार ये तो ऑब्वियस सी हो गई है। टाइप ऑफ पिवटिंग की, अगर पिवट की बात करूँ, कैन इन्वॉल्व द चेंजिंग द टारगेट मार्केट, मार्केट के हिसाब से चेंज करो, गोल क्या है, अपनी ग्रोथ करना, अपने आप को सर्वाइव करना, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे भी चलाना, क्या ये बात समझ में आ रही है? एक्चुअली में बस 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 समझ रहे हो, तो चेंजेस कर रहे हो, तो दी कंपनी आइदर ग्रो, या तो क्या करेगी, या तो एग्जिट कर लेगी अगर मार्केट में फिट नहीं हो पा रहे हो तो। तो कुल मिलाकर क्या ये लाइफ साइकिल समझ में आई? पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडिया, और उसे डेवलप करो, आइडिया ही बोलूंगी मैं, ठीक है। दूसरा वैलिडेट करो, और पक्का करो और स्ट्रांग करो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, धीरे धीरे उसे क्या करो, प्रोसेस में लेकर जाओ, एडजस्ट करो मार्केट के हिसाब से, और अगर वो एडजस्ट हो जाता है तो ग्रोथ, एडजस्ट नहीं हुआ तो एग्जिट। बात समझ में आ गई? यहाँ पे आपकी सभा समाप्त।